नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर शाहजहांपुर से। लाचारी बेबसी व परिवार चलाने के लिए ठेले पर सब्जी बेचने निकल पड़े मासूम। शाहजहांपुर कहते हैं मजबूरी जो ना कराए सो कम। लाचारी व बेबसी का ऐसा ही एक उदाहरण शाहजहांपुर में देखने को मिला। जिन कंधों पर स्कूल का बैग होना चाहिए था, वे अब परिवार के खर्च को संभालने के लिए जिम्मेदारी उठा रही है। कलम की जगह उनके हाथों में किस्मत का तराजू है। बीमार पिता के इलाज और दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए मासूम ठेला खींच रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिलों को झकझोर देने वाली है। यहां दो मासूम भाई लाचारी व बेबसी के कारण ठेले पर सब्जी रख कर गली गली बेच रहे थे, ताकि दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके और छोटे छोटे भाई बहनों व परिवार को भूखा ना सोना पड़े। शाहजहांपुर के चौक कोतवाल क्षेत्र के मोहल्ला बिजलीपुरा का है। यहाँ मंगलवार को एक 13 वर्षीय बालक अपने 8 वर्षीय भाई के साथ सब्जी के ठेले को खींचते नजर आए। सब्जी बेचने के लिए दोनों भाई अपनी मासूम निगाहों से ग्राहकों की तरफ देख रहे थे। दोनों बच्चों की लाचारी व बेबसी कुछ संवेदनशील लोगों को झकझोर गई तो उनके पास पहुंचे। स्थानीय लोगों ने बच्चों की मनोदशा को देखते हुए सब्जी खरीदी। इस बीच बेबसी का कारण पूछा तो पता चला कि उनके पिता बीमार थे। वे ही थे जो मजदूरी कर व सब्जी बेचकर घर का खर्च चलाते थे, लेकिन बीमारी के कारण वो मेहनत वाला काम नहीं कर पा रहे। घर में ना राशन है और ना ही रुपए, ऊपर से कोई मदद भी नहीं कर रहा। ऐसे में दोनों भाई बीमार पिता छोटे छोटे भाई बहनों व माँ की खातिर सड़क पर निकल पड़े। बच्चों के पिता राजेश वर्मा ने बताया कि मजदूरी कर व सब्जी बेचकर परिवार को पाल रहे थे। घर पर उनकी पत्नी, बड़ा बेटा हर्षित 13 वर्षीय, बेटी तनु 11 वर्षीय, प्रतीक 9 वर्षीय, ऋतिक 8 वर्षीय, शगुन 5 वर्षीय व सबसे छोटी बेटी नैना 3 वर्षीय है। करीब 1.5 माह पूर्व उनको टीबी हो गई, जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने मेहनत वाला काम करने से मना कर दिया। कोरोना के कारण बचा कुचा पहले ही खर्च हो चुका था। लॉकडाउन खुलने के बाद कुछ दिन काम कर सके कि बीमारी ने आकर जकड़ लिया। काम धंधा बंद हो गया, आर्थिक रूप से और कमजोर हो गए। बड़े बेटे हर्षित ने हालातों को देखते हुए बेटे व भाई होने की जिम्मेदारी निभाने की बात कही। मजबूरी वश व परिवार की खातिर उन्हें हाँ करनी पड़ी, जिसके बाद हर्षित अपने छोटे भाई ऋतिक को साथ लेकर ठेले से सब्जी बेचने जाने लगा। राजेश ने बताया कि सरकार से मिलने वाले आवास का लाभ भी नहीं मिला गया और ना ही अन्य सुविधाएं मिली। फिलहाल पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। समाज सेवी ने जन प्रतिनिधियों व अन्य समाज सेवियों से परिवार की मदद की गुहार लगाई है। आइए आपको मुलाकात करवाते हैं समाज सेवी सलमान व पीड़ित पिता राजेश हर्षित से। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज मुकेश सक्सेना के साथ आरएस शर्मा शाहजहांपुर की रिपोर्ट। क्या दिक्कत आई आपके पास? कहाँ पे? कितने सालों से, लगभग कितने दिनों से आपके पापा जो हैं बीमार चल रहे हैं? मेरे पापा कहाँ कहाँ इलाज उनका करवाया? अच्छा, पापा का इलाज के लिए आज तुम ठेला वगैरह लेके निकले हो? कितने दिन से, कितने खन से निकले हो ठेला लेके? लगभग कितने रुपए की तुमने सब्जी बेची होगी तब? 500 रुपये। क्या प्रशासन से तुमने कोई मदद की गुहार लगाई पापा के अपने इलाज के लिए? कुछ कोई इलाज के लिए मदद मिली आपको सरकार की तरफ से? पापा के कोई मदद नहीं मिली? क्या दिक्कत है आपके पापा को? फेफड़ों में दाग है। ये तुम्हारा भाई है साथ में? छोटा भाई। कितने साल का है ये? हाँ, 6 साल का है। तुम कितने साल के हो? हाँ, नाम 13 है, 14 है, जनवरी को 14 है, 14 साल का। आपको बताइए, ये मजबूरी बताई कि मेरे पापा बीमार हैं, उन्हें टीबी हो गई है,
तो मैंने जानने की कोशिश और करा, तब मैंने देखा था ठेला लेकर वो सब्जी बेच रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा वास्तव में है या नहीं। तो मैंने उनके घर पर भी जाकर देखा, तो उनके घर पापा से बात हुई, तो टीबी का इलाज उन्होंने बताया, वो मेरा 1.5 महीने तो मैंने चल रहा है। तो जहाँ बच्चों को पढ़ने लिखने की जब होना चाहिए, वहाँ वो ठेला लेकर अपने परिवार को चलाने के लिए जो है सब्जी बेच रहे हैं, इसमें तो बहुत बड़ी अपने आप में एक अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जाएगी कि आजकल भी छोटे छोटे बच्चे जहाँ खेलने कूदते कूदते पढ़ने लिखने कूदते वहाँ देखते हैं कहीं ना कहीं काम करते नज़र आते हैं, तो ये बच्चे जो हैं अपने परिवार को पाल रहे हैं। जब ये सब्जी बेच कर जाते हैं तब इनका परिवार इनके उस पर जो है इलाज हो पा रहा है, इसी वजह से